एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय सहना। तो खिचड़ी तो हर घर में बनती है एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि ये भी कोई वीडियो देखने की चीज है। ये तो हमें पता ही है कि खिचड़ी बनती है, खिचड़ी कैसे बनती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खिचड़ी आप बनाना तो देखेंगे ही देखेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बताने वाली हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बच्चों को जो है, इनफैक्ट छोटे बच्चों को हमें वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस करना होता है, तो हमें कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि कौन से वेजिटेबल्स हम इंट्रोड्यूस करें, कौन से नहीं करें, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर एक वेजिटेबल की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आलू हो गया या फिर आपका पंपकिन हो गया, इसमें से हो सकता है कि थोड़ा सा गैस्ट्रिक बने। और सेकेंडली जैसे कि शकरकंद हो गया, शकरकंद में रेशे होते हैं तो रेशे हो सकता है कि वो निगलने में दिक्कत हो। बीन्स होते हैं, बीन्स के में रेशे होते हैं, उसको निगलने में दिक्कत हो। तो इस तरह से अलग अलग वेजिटेबल्स होते हैं और अलग अलग वेजिटेबल्स को एज वाइज हमें बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन आज की जो ये रेसिपी है खिचड़ी की, इसमें आप देखेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स को जो है ये कॉम्बैट करता है। और इसमें आप अपनी मनपसंद और आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल है उसको आप इंक्लूड करके एक बहुत ही हेल्दी मील अपने बच्चे के लिए आप तैयार कर सकते हैं। इस मील की खास बात यह है कि ये आप 10 मंथ्स के बेबी से लेके आप 3 से 4 साल के बच्चों तक ये आप मील खिला सकते हैं। बच्चे तो बच्चे, इसमें थोड़ा सा और मिर्ची और मसाले का तड़का लगा के आप भी खा सकते हैं मस्त घी के साथ। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ कि ये मील मैंने कैसे प्रिपेयर किया है और कुछ वेजिटेबल्स जो मैंने यूज किए हैं और इसके अलावा आप कौन से वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो खिचड़ी बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं आप उन वेजिटेबल्स का यूज़ करके खिचड़ी बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है हेल्दी मील अपने बच्चों को खिलाने का और एट द सेम टाइम वेजिटेबल्स को इंट्रोड्यूस करने का। तो मैं इसमें ले रही हूँ बीटरूट जो मैंने छोटा छोटा काट के रखा है, शकरकंद, थोड़े से बीन्स लिए हैं मैंने, और ये एक हरा सब्जी है जो मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, तो ये आप गूगल में चेक कर सकते हैं। प्याज लिया है मैंने एक छोटा सा, और गाजर मैंने इसमें लिया है, और थोड़ा सा आलू लिया है मैंने। इनके अलावा आप पालक, पम्पकिन, लौकी, कद्दू, इस तरह के जो वेजिटेबल्स हैं वो आप डाल सकते हैं। बैंगन, भिंडी जैसी सब्जियां नहीं डाली जाती हैं क्योंकि उससे स्वाद बिगड़ जाता है, और टमाटर भी नहीं डाले जाते हैं 1 साल 1.5 साल तक, क्योंकि उससे जो है वो खट्टापन होता है और वो नहीं दिया जाता है छोटे बच्चों को। तो इन सारी वेजिटेबल्स को आप अच्छे से वॉश करके कट कर लीजिए। फिर मैंने लिया है इसमें 3 तरह के दाल और एक थोड़ा सा चावल। तुअर दाल लिया है मैंने 2 चम्मच, 2 चम्मच मूंग दाल, 2 चम्मच मसूर दाल, और 3 से 4 चम्मच मैंने लिया है चावल। तो आप इन सबको जो है अच्छे से पानी में 2 से 3 बार जो है वॉश कर लीजिए, ताकि इसमें से किसी भी तरह का कोई भी इम्प्योरिटीज जो है वो इसमें से निकल जाए। तो मैंने इसमें 3 तरह के दाल लिए हैं, आप चाहें तो किसी एक तरह के दाल के साथ भी आप ये खिचड़ी बना सकते हैं। और एट द सेम टाइम मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको हरा मूंग का अगर बनाना है तो आप हरा मूंग को पहले से भिगो के रखिए, उसके बाद ही आप खिचड़ी में डालिए, क्योंकि हरा मूंग डायरेक्टली अगर आप डाल देंगे तो नहीं पकेगा। तो गैस पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है और इसमें मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच घी का, क्योंकि आप बच्चों के लिए जब भी बनाएंगे खिचड़ी तो घी में बनाइए, क्योंकि घी में जो बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और रिफाइंड ऑयल में बिल्कुल भी मत बनाइए, आप चाहते हैं तो आप सरसों तेल का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वो फ्लेवर अच्छा लगता है तो, अदरवाइज मैं ये कहूँगी कि घी में बनाना ही बेटर है। तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा अजवाइन। मैं इसमें राई का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अजवाइन और जीरे का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें पेपर भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद मैं डालूँगी इसमें प्याज,
और प्याज को जो है अच्छे से भून लूंगी इसमें घी में, घी क्योंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, आपको ये सारी चीजें फटाफट फटाफट जो है डालनी होंगी, तो पहले से रेडी करके रख लीजिए। ये नहीं कि आपने घी चढ़ा दिया कुकर में उसके बाद आप प्याज काटने बैठे हैं, तो प्लीज पहले से रेडी कर लीजिए क्योंकि घी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो अब क्योंकि प्याज मेरे भुन गए हैं, तो मैं इसमें जो सारे वेजिटेबल्स जो मैंने काट के रखे थे वो मैं अब डाल रही हूँ इसमें, और इसको हल्का सा आपको भूनना है, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट दैट कि मतलब एक तरह से घी में वो सब लिपट जाए। और ये इतना करने के बाद जो है अब एक एक करके इसमें हम जो भी बेसिक मसाले हमें डालने हैं वो मैं उसमें डालूंगी। तो बेसिक मसालों में सबसे पहला चीज आता है नमक, क्योंकि नमक बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसमें आयोडीन होता है, और आयोडीन कंटेंट छोटों से लेके बड़ों तक हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें मैं नमक और हल्दी दोनों ही जो है थोड़ा थोड़ा करके डालने वाली हूँ अभी। तो आप देख रहे हैं हल्दी मैंने डाल दिया है और अब मैं नमक डालूंगी एकदम स्वाद अनुसार। आपको पता है कि आपको कितना उसमें नमक आपके बच्चों को पसंद आएगा, तो आप उतना नमक उस हिसाब से डालिए। बाय चांस अगर आप ये 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ी सी जो है कश्मीरी मिर्च जो है ऐड कर सकते हैं, जिससे कि जो हल्का सा स्पाइस कंटेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आप कश्मीरी मिर्च नहीं डालना चाहते हैं, तो आप आधा छोटा चम्मच जो है इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं, क्योंकि गरम मसालों में ज़्यादातर जो भी स्पाइसेस यूज होते हैं वो सारे जो है हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल रही हूँ कि इसमें काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है खिचड़ी में, तो इसलिए मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी डाला है। आप चाहे तो तड़के के टाइम पे भी डाल सकते हैं। हींग में डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि हींग जो है वो डाइजेशन में बहुत ही हेल्प करता है, और छोटे बच्चों को जो है ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स बहुत होती रहती हैं, इसीलिए हल्का सा हींग ज़रूर ऐड करिए। इसमें कैच ये है कि मैंने इसको मतलब सीटी देने से पहले हींग ऐड कर दिया है, आप चाहें तो बाद में भी इसमें जो है घी में हींग का तड़का लगा के डाल सकते हैं, जैसा आपको मतलब टेस्ट आपको पसंद आता है उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको चलाते रहिए और देखिए कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो है सारे जो है नमक और हींग और हल्दी जो है अब सारे जो वेजिटेबल्स में जो है घुल मिल गई है। तो इसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे दाल और चावल जो हमने धो के रखे थे, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और देखिएगा कि आप अगर जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आप चाहे तो एक दाल कोई भी एक दाल भी यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादातर छोटे बच्चों को अगर खिचड़ी इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो सबसे पहले मूंग दाल जो है यूज़ किया जाता है, क्योंकि मूंग दाल जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है डाइजेस्ट करने के लिए और काफ़ी टेस्टी भी होता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा आप ज़्यादा ही डालें, क्योंकि मूंग दाल है इसमें और मूंग दाल जो है पानी सोखता है। अगर आपने पानी कम डाला है तो फिर हो सकता है कि आपकी खिचड़ी जल जाए या फिर चावल और सब्जियां अच्छे से पके नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मूंग दाल ऐड करते हैं, तो नॉर्मल अगर आप 1 कप चावल के लिए अगर आप 2 से 2.5 कप अगर पानी डालते हैं, तो इस केस में आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालिए, कम से कम 1 कप आप एक्स्ट्रा डालिए। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े ग्लास मतलब पानी डाले हैं इस कुकर में। तो अब मैं ये कुकर जो है वो लिड इसका क्लोज कर दूंगी, और कम से कम 5 से 6 सीटी होने तक आप इसको मीडियम आंच पे इसको पकाइए। सीटी लगने के बाद जो है वेट करिए कि आपका जो ये कुकर है अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद आप इसको ओपन करके देखिए एकदम गर्मा गर्म खिचड़ी, थोड़ा सा इसमें पानी है, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, तो पानी एक्स्ट्रा होना चाहिए इसमें। तो ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है, और ये इस तरह से आपका खिचड़ी दिख रहा है, बहुत ही कलरफुल लग रहा है। और अब मैं इसको प्लेट में सर्व करने जा रही हूँ। तो आप बड़े बच्चों के लिए इसको डायरेक्टली ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स और चावल दाल सब कुछ जो है बहुत अच्छे से पक चुका होता है 5-6 सीटी के बाद। और इसमें आप ऐड करिए 1 चम्मच घी, और गर्मा गर्म जो है आप अपने बच्चे को ये खाने के लिए दे सकते हैं। अगर आपको पापड़ वापड़ पसंद है, तो आप पापड़ भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं।
उससे अगर छोटे बच्चे हैं जैसे कि 10 महीने से ज़्यादा के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने बोला था कि आप थोड़ा सा इसको मैश कर दीजिए, क्योंकि मैश करने से बच्चे प्रॉपरली इसको खा पाते हैं। बहुत ही फुलफिलिंग मील होता है, इससे बच्चे का पेट भी भर जाता है, और जब बच्चे का पेट भर जाता है तो बच्चा हमेशा जो है हैप्पी रहता है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये मील बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाता है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये सारे एज ग्रुप के बच्चों को आप खिला सकते हैं। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस मील से रिलेटेड आपको कुछ टिप्स दूंगी जो कि आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। तो सबसे पहला टिप ये है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे या फिर आप लहसुन और अदरक कूच के इसमें डालेंगे तो इस मील का जो है स्वाद भी बढ़ जाएगा और एट द सेम टाइम सर्दी जुकाम जैसी चीजों को ये कॉम्बैट करेगा। दूसरा टिप ये है कि अगर आप ये 1 साल के ऊपर के बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आप इसमें पेपरकॉर्न ऐड कर सकते हैं, मतलब कि आप गोल मिर्च जिसको कहते हैं या फिर काली मिर्च जिसको कहते हैं वो काली मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप जो काली मिर्च है वो जैसे के तैसे आप तड़के में जो है डाल दीजिए, जो स्टार्टिंग में जैसे मैंने डाला था। लेकिन अगर आप थोड़े से बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं, लाइक 3 साल के ऊपर के बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप इसको पाउडर के फॉर्म में इसको बना के भी आप डाल सकते हैं ड्यूरिंग कुकिंग। ऊपर से मत डालिए क्योंकि ऊपर से अगर आप डालेंगे तो बहुत तीखापन आ जाएगा, लेकिन अगर आप कुकिंग के दौरान डालेंगे तो इसका फ्लेवर जो है मिक्स हो जाएगा अच्छे से और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और हेल्दी भी रहेगा। और ये किसी भी तरह का जो है कोल्ड कॉफ या फिर ठंड लगने से जो है वो बचाता है। तो ये थी 2 टिप्स जो मैंने आपको दी कि जिसकी वजह से जो है ये मील आप अपने बच्चों को खिलाए के साथ ही साथ उनका इम्यूनिटी भी जो है आप उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने बेबीज के अच्छी हेल्थ चाहते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है वेजिटेबल्स खाने के लिए बहुत ही मतलब फसी होते हैं, फसी ईटर्स होते हैं, जिद करते हैं कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, तो फिर आप इस तरह से ये जो मील है आप हफ्ते में 2 से 3 बार जो है आप उनको बना के दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चों जो है मैक्सिमम वेजिटेबल कंजम्पशन वो कर पाएंगे। तो क्योंकि इसे मैंने इतने सारे वेजिटेबल्स यूज किए हैं, आप भी और भी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, और क्योंकि वो वेजिटेबल अलग से नहीं दिखता है खिचड़ी में तो बच्चे जो है वो खा लेते हैं। तो आई होप आप भी अपने घर में खिचड़ी बनाते होंगे। अगर आपके पास कोई और वेरायटी है खिचड़ी की तो मुझसे जरूर शेयर करिए, और मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड में लेके आऊंगी एक और ऐसे ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी मील, अगेन सारे एज ग्रुप के बच्चों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए प्लीज स्टे ट्यून टू माय चैनल मॉम स्टोरी एंड टेक केयर। बाय बाय।